प्रधानमंत्री के हवाले से इस घटना की पुष्टि की है। जोसेफ ने कहा है कि वह अब इस पद का प्रभार संभालेंगे। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में महत्व 6 दिन का समय बचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक खबर मिली है कि जापान सरकार ओलंपिक के दौरान टोक्यो में करना आपातकाल को लागू करेगा। इससे पहले पिछले महीने की 17 तारीख को जापान सरकार ने टोक्यो में करोना काल के दौरान लगाए गए आपातकाल को हटाने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर से बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक होंगा आतंकी को मार गया है। सुरक्षा बलों ने खाती में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबेद को ढेर किया है। हथवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जवानों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि मेहराजुद्दीन खाती में कई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग की राज्य समितियों और केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पदों पर समय सीमा के तहत नियुक्तियां करने के 2019 के उसके आदेश के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफों की झंडी लग गई है। 12 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्रियों के इस्तीफे के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर शाम करीब 5:30 बजे मिली है, जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की खबर आई है। दोनों ही मंत्रियों को मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किप्टी कुमार मंगलम की मंगलवार रात दिल्ली के वसंत विहार स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के जवानों ने फायर कर दिलीप कुमार को आखिरी सलामी दी। दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो ने भी कब्रिस्तान पहुंचकर उन्हें आखिरी सलामी दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी राजीव कानितकर को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी। राजभवन के एक अधिकारी ने विज्ञप्ति में कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल कानितकर PVSM ABSM को 5 वर्ष की अवधि या वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। शिवसेना ने सत्कारी फाउंडेशन की ओर से नगर आयुक्त कैलाश यादव को दिए गए एक ज्ञापन में मांग की है कि विभिन्न बीमारियों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही टीका लगाया जाना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी नागरिकों का टीकाकरण महत्वपूर्ण है। एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में 10 आरोपी पड़ोसी नवी मुंबई में तलोजा जेल में 1 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने सह आरोपी स्टेन स्वामी की संस्थागत हत्या के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने एल्गार परिषद मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अधिकारियों और तलोजा जेल के पूर्व अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो यदि खास खबर देश की खास खबरों के बने रहे नमस्कार।